हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं सपना, मेरे चैनल फ्रेंड्स फैमिली किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रोस्टेड पोहा, जिसे हम चेवड़ा भी कहते हैं। दोस्तों, रोस्टेड पोहा आप स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। चेवड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं कुछ बादाम, मूँगफली, काजू और नारियल की गिट को मैंने इस तरीके से लंबी शेप में कट कर लिया है। हमें नारियल का बुरादा नहीं चाहिए दोस्तों। आप चाहें तो किशमिश भी ले सकते हैं, मुझे किशमिश पसंद नहीं है इसलिए मैंने किशमिश नहीं ली है। तड़के के लिए हम ले लेंगे मीठी नीम के पत्ते, दो हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। थोड़ा सा स्पाइसीपन देने के लिए मैंने यहाँ पर लाल मिर्च ली है, आधी छोटी चम्मच। कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लिया है, वो भी आधी चम्मच ही ली है मैंने। नमक हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार ले लेंगे और आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे ली है पीसी हुई चीनी। और साथ ही हमने यहाँ पे लिए हैं पोहा। दोस्तों, मैंने पतला वाला पोहा लिया है, आप चाहे रेगुलर वाला यूज वाला पोहा भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पोहा को रोस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप पतले वाले पोहे लेंगे तो हमारा चेवड़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए, मैंने इन्हें रोस्ट करने के लिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है, हमें इन्हें बिना ऑयल के ही रोस्ट करना है। हल्का सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें इसे लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट करना है। और गैस की फ्लेम, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखनी है, नहीं तो हमारे पोहे जल जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से इसे चलाते रहें। तो ये देखिए, हमें रोस्ट करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हमारे पोहे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पोहे पे कितना अच्छा कलर आया है और हमें इन्हें ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना है। दोस्तों, आप एक पैन में तेल ले लेंगे और हम वन बाय वन करके सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें मूंगफली को फ्राई करूँगी। हमें इसे इस तरीके से चलाते हुए फ्राई करना है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, इसे ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ही करना है, बस इसका कलर चेंज हो जाए। तो ये देखिए, हमारी मूंगफली फ्राई हो गई है। अब हम इन्हें एक बॉल में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी मूंगफली का कितना बढ़िया सा कलर आया है दोस्तों। इसी तरीके से हम सभी मूंगफली को बॉल में निकाल लेंगे। अब हम इसी तरीके से इसमें बादाम भी फ्राई कर लेंगे दोस्तों। बादाम को भी हमें कलर थोड़ा सा चेंज होने तक ही फ्राई करना है दोस्तों। फ्राइड ड्राई फ्रूट से चेवड़ा में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। मैं इन्हें ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इन्हें घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे बादाम का कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है और इसका कलर भी कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो फ्राई बादाम बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम इन्हें एक बॉल में निकाल लेंगे और इसी तरीके से काजू को भी फ्राई कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों, अगर आप किशमिश भी ऐड कर रहे हैं तो आप किशमिश को भी फ्राई करके डालिए। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि मुझे किशमिश पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए, हमारे काजू भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं दोस्तों। इन ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब इन्हें भी एक बॉल में निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हम नारियल को भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी हम थोड़ा सा हल्का ब्राउन, मतलब कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, हमारे नारियल भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें भी एक बॉल में निकाल लेंगे। दोस्तों, अब हम उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले लेंगे। दोस्तों, फ्राई करने के लिए हमें तेल ज़्यादा चाहिए था, तो हमने उस तेल को निकाल लिया है ठंडा करके। अब हम तेल को गर्म कर लेंगे। तो ये देखिए, इसमें हम करी पत्ता और हरी मिर्च डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम
लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों हम खट्टा मीठा चेवड़ा बना रहे हैं, अगर आपको खट्टा मीठा पसंद नहीं है तो आप इसमें चीनी ना डालें और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा इनका कच्चापन निकल जाए इतना ही पकाना है। और अब हम इसमें चेवड़ा ऐड कर देंगे। इसमें चेवड़ा डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छे से चलाते हुए हल्के हाथ से मिक्स करना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने चेवड़ा को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया सा कलर आया है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स डालकर मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें काजू, बादाम और मूंगफली डाल दूंगी और साथ ही हम इसमें नारियल भी डाल देंगे और इन्हें डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक दो सेकंड के लिए पका लेंगे। ये लीजिए दोस्तों, हमारा खट्टा मीठा चेवड़ा बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा खट्टा मीठा चेवड़ा कितना बढ़िया लग रहा है। दोस्तों ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। अब हम इन्हें एक बॉल में निकाल लेंगे। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे एयरटाइट डब्बे में एक महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप इसे स्नैक्स के रूप में आराम से कभी भी खा सकते हैं। और यदि हमारे घर में गेस्ट आ जाए तो आप उनके साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा चेवड़ा कितने टेस्टी लग रहे हैं और बहुत ही खाने में भी टेस्टी है। तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा है। दोस्तों आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमारा खट्टा मीठा चेवड़ा बनकर तैयार है, अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। दोस्तों घर में अचानक से गेस्ट आ जाए तो आप उन्हें ये सर्व कीजिए, उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगेगा। आप मेरी इस वीडियो को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नई और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।